हमारी सरकार काम नहीं करेगी तो हम थोड़े चुप रहेंगे। जब जनता ही नहीं रहेगी तो हम रह के क्या करेंगे। बिहार के बेतिया में इन दिनों नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण लगातार कटाव हो रहा है। वहीं इस मामले में अब लौरिया सीट से भाजपा विधायक विनय बिहारी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कटाव पीड़ितों के लिए विधायक विनय बिहारी जिला मुख्यालय के पास आमरण अनशन करने की बात कह रहे हैं। भाजपा विधायक ने कहा कि मेरी ही सरकार काम नहीं कर रही है तो हम क्या करेंगे, जब जनता ही नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे, सरकार के मंत्री हो या अधिकारी कोई नहीं सुन रहा। कई बार पत्र लिखा लेकिन कोई अधिकारी मेरे क्षेत्र में कटाव पीड़ितों को देखने तक नहीं आया। वहीं इसको लेकर भाजपा विधायक विनय बिहारी ने और क्या कुछ कहा है, पहले ये सुनिए। अब तो मुझे ये लगता है कि अब जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा। अब सरकार हमारी है तो क्या है, हमारी सरकार काम नहीं करेगी तो हम थोड़े चुप रहेंगे। हम जा करके बोलेंगे और बैठेंगे। अब सब ग्रामीणों से राय करते हैं, अब राय करने आए हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये लोग नहीं बात मानते हैं तो हर हाल में बुध बी एफ तक हम बैठ जाएंगे। एकदम नहीं कोई जाएगा मंगलपुर से तो अकेले बैठेंगे। हम अकेले पॉइंट खोल कर रोड बनवाए हैं ना, तो अकेले कराएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो राम जी बनना पड़ेगा। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, अब बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उसी तरह से ये काम करना पड़ेगा। जब जनता ही नहीं रहेगी तो हम रह के क्या करें। और यहाँ की स्थिति बहुत भयानक है। कोई आदमी किसी पत्र का कोई ध्यान नहीं देता। इतना दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी सरकार है, मैं पत्राचार कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, जा रहा है। इन्हीं सभी बातों में अभी मैंने 25 से ऊपर घर कट जाएगा। ये लोग कितना पैसा देगा, कितना पैसा सरकार देती है हमको नहीं मालूम है। हम आज से विधायक हैं, 14 साल से विधायक हैं। उस पैसे से घर बन जाएगा? जो लोग कट रहे हैं, जिनका घर कट रहा है, उनको जमीन देगी? कब दे रही है सरकार जमीन, कहाँ से दे रही है, कितने लोगों को दी है, सब प्रश्न है ये ना। अब ऐसे हम चुप रहेंगे तो फिर कैसे हम काम करेंगे, कैसे लोगों के बीच में जाएंगे? लोग हमको क्या कहेंगे कि आप काम नहीं करते हैं? तो विधायक क्या करेगा? विधायक पत्राचार करेगा, विधायक मंत्री से मिलेगा। तो अगर मैं मंत्री जी से नहीं मिला हूँ तो मंत्री जी बता दें, सचिव से नहीं मिला हूँ तो सचिव बताएं। हम इंजीनियर इन चीफ और जितने लोग हैं जल संसाधन के, एक एक कर्मचारी से मैं मिल चुका हूँ। उसके बाद भी जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं होने का भाव में घर कट रहा है, तो हम अभी क्या बोलें? आप पत्रकार हैं, जो बोलेंगे सही बोलेंगे, उसका अंजाम जो हो। दरअसल भाजपा विधायक विनय बिहारी को इस बात का बहुत खेद है कि उनकी सरकार रहते हुए भी ऐसा हो रहा है। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं विधायक होते हुए भी तमाशा देख रहा हूं, अब राम बनना पड़ेगा। कई लोगों के घर कटे हैं, ये सरकार उन्हें कहां जमीन देती है, घर कटने पर मुआवजा तक नहीं देती। इस सरकार से मैं अनुनय विनय नहीं करूंगा, अब अकेले ही जिलाधिकारी के कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल करूंगा। ये सरकार कटाव पीड़ित और बाढ़ पीड़ितों को नहीं देख रही है, उनके दर्द को नहीं समझ रही है। जल संसाधन विभाग की लापरवाही से मेरे यहाँ 25 लोगों के घर कट गए हैं, मैं अपना दर्द कैसे बताऊं। वहीं उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि सरकार में हम लोगों को कोई नहीं सुन रहा, लोगों के घर कट रहे हैं, खेत कट रहा है, लगातार पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ देखने नहीं आ रहा। अधिकारी से लेकर मंत्री तक मेरी बात हुई है, फिर भी कटाव और बाढ़ पीड़ितों के लिए ये सरकार काम नहीं कर रही है। इसलिए मैं इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करूंगा। भले ही मेरी सरकार है लेकिन मुझे इसका कोई खौफ नहीं है।